नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और आपका ये है दुर्ग का मालवीय नगर चौक। आपको दिख रहा होगा कि 5 बज रहे हैं और जो ट्रकें हैं इस रोड पर चल रहे हैं, क्योंकि ट्रकों की नो एंट्री है, वो आई थिंक 6 बजे के बाद बंद हो जाएगी। यहाँ पर सिग्नल काम कर रहा है, आप देख रहे हैं अभी ग्रीन है, पर इस सिग्नल का सुबह सुबह कोई मतलब नहीं होता है। अगर ये बंद भी होता तो कंडीशन नॉर्मल ही मानी जाएगी। उसका रीज़न ये है, नॉर्मल इसलिए मानी जाएगी कि ट्रैफिक काफ़ी कम है बट ट्रक चल रहे हैं। अच्छा, आप ज़रा देखिए, अगर मुझे राइट टर्न लेना है तो मुझे सामने से आती हुई गाड़ी, लाइट तो समझ में आ रहा है पर कितनी स्पीड से आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी फ़िलहाल किनारे खड़ा हुआ हूँ, पार्किंग लाइट ऑन कर दिए, तो ये देखिए ट्रक, कुछ ट्रक ठीक ठाक स्पीड में चल रही है, कंट्रोल हो सकती है, और कुछ ट्रक 50 से 60 70 के आसपास भी चल रहे हैं। अब ज़रा सोचिए सुबह सुबह किस तरीके से हादसे हो सकते हैं। ये देखिए एक ट्रक निकला और उधर से कोई स्कूटी वाला आ रहा है, क्योंकि अभी सिग्नल का कोई मतलब ही नहीं है। आप अगर नियम से खड़े भी हो जाते हैं और सामने तरफ वाला लाल है तो भी गाड़ियाँ आ रही है। ये देखिए एक आपको ऑटो आते हुए दिखाई दे रहा होगा, तो सोचिए ज़रा कितना बड़ा हादसा हो सकता है। मतलब इसमें जब टक्कर होगी तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि यही सुबह का माहौल है। भले खाली रोड है लेकिन ये है तो शहर के अंदर की रोड, लोग अभ्यस्त नहीं है, इतनी फास्ट मूविंग व्हीकल आना जाना कर रही है। अब इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो उपाय यह है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सारी जगह चेकिंग करते हैं, गाड़ियों के कागज़ हो गया, सीट बेल्ट हो गया, हेलमेट हो गया, ये सब सारी चीज़ें, पर अभी तक वो सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है जो आपका जज कर सके, ऑब्जर्व कर सके इस चीज़ों को। कैसे? मान लीजिए आप स्पीडोमीटर या हर व्हीकल का एक स्पीड चेक कर लीजिए कि क्या स्पीड से हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज से आप आइडेंटिफाई करिए, फाइन लगाइए, उससे काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, पर क्यों नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भी एक हादसा हुआ, शहर में हुआ हादसा, एक लड़की ख़त्म हो गई, बोलेरो ने टक्कर मार दी थी। हालांकि अंडर पास जो है उसकी स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, इस वजह से भी कह सकते हैं, बट हादसा हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज़रूरी है कि इस ओर ध्यान देना, सीसीटीवी फुटेज लगा के उसको आइडेंटिफाई करके उसको लगातार निगरानी में कि ट्रकों की स्पीड क्या चल रही है। क्योंकि अब देखिए ये गाड़ी तो हालांकि चलिए इधर मुड़ गई है, पर ट्रकों का आना जाना इस रोड पे है और काफ़ी हाई स्पीड से चल रही है। अब चूंकि नो एंट्री 6 के बाद होगा तो सिग्नल का भी कोई मतलब नहीं हो रहा है। इस वजह से छत्तीसगढ़ में दुर्ग रायपुर में आपको हादसे देखने को मिल रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में काफ़ी हादसे होते हैं इंडिया के हिसाब से। ये देखिए कार निकल रही है, अब सामने से मान लीजिए ट्रक आ रही है, कितना रिस्क हो जाता है, दिख भी नहीं रहा है ना, विज़न ही नहीं है एक्चुअली। सामने डिवाइडर है और थोड़े पेड़ ऊपर उगाए हैं तो हमको दिख नहीं पाता अचानक से। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग देखिए पालन करते हैं खड़े रहने का, पर कोई मतलब नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ये बगल में जो एक ट्रक रुका हुआ है वो पालन कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये सब सारी चीज़ें, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी बगल में आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये ट्रक, ये कुछ पालन करते हैं बड़े ट्रक बड़े गाड़ी वाले, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सामने एक ट्रक देखिए उस रेड सिग्नल में बेचारा रुक गया, लेकिन सिग्नल के हिसाब से चलेंगे तो हादसे भी हो सकते हैं, आपको खुद देख के चलना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, एक और मैं बात बता दूँ, जब आप मनाली से दिल्ली जाते हैं ना तो हर आधे आधे किलोमीटर में स्पीड मीटर लगा हुआ है, जिससे पता चलता है गाड़ी की स्पीड क्या है और वो ऑब्ज़र्व कर लेता है। सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं, 60 के ऊपर गया कि नहीं, फाइन लग जाएगा। ये सब सारी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती शहर में? और फिर बस पेपर में अगले दिन न्यूज़ आ जाती है कि एक बड़ा हादसा हो गया। अब देखिए ये ट्रक वाला रुका है, लेकिन कुछ और नहीं रुकेंगे, अब बड़े व्हीकल हैं थोड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, तो आधे लोग कुछ पालन करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो ये एक अव्यवस्था का आलम है और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे ट्रैफिक हो चाहे कोई भी हो।
किस ओर ध्यान देने के लिए। आप पर्टिकुलर हर रोड को ऑब्जर्व करिए, जज करिए क्या पैटर्न चल रहा है, उसको एनालाइज करिए। मैंने एक बार यहाँ के एसपी सर को भी बोला था कि मैं एज ए ट्रैफिक या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होने के नाते मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये सब सारी चीज़ें करने को तैयार हूँ, बट कोई जवाब नहीं आया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।